Yes. Okay. एक क्वेश्चन है, सुनिए। डिफरेंस बिटवीन द टिश्यू ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर गिवन। आपको एक चार्ट में बना है, टिश्यू और प्लांट्स का डिफरेंस गिवन है। अच्छा, यू हैव डन, गुड। विच ऑफ दीज आर इनकरेक्ट डिफरेंस? आई एम स्पीकिंग द डिफरेंसेस ऑफ द बोथ द पार्ट्स, यू हैव टू टेल मी विच वन इज द इनकरेक्ट। टिश्यू ऑफ प्लांट्स आर मेड अप ऑफ लिग्निफाइड एंड डेड सेल। टिश्यूज इन एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल, पहला पॉइंट ये था। दूसरा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट ऑफ एनिमल्स। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल इज नॉट कॉम्प्लेक्स। तीसरा है, ग्रोथ इन प्लांट इज डेफिनेट, ग्रोथ इन एनिमल इज इनडेफिनेट। फोर्थ ऑप्शन इज, दीज आर डिवाइडिंग and non-dividing tissues in plants at specific region and in animals they do not possess specific region dividing and non-dividing tissue. कौन कौन सी statement wrong है? क्यों? पहले तो second वाली हमारे पास option क्या थी? कैसे? The structural organization of plant is more complicated than of animals. सेकेंड यही है, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। आपको क्वेश्चन समझ आया कि मे आई राइट इट ऑन बोर्ड? मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, जस्ट चेक इट आउट, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। यहाँ पे दे हैड गिवन द प्लांट, राइट? नाउ दे आर सेइंग फोर ऑप्शंस दे हैड गिवन, या तो सुन लो फोर ऑप्शंस अच्छी तरह से। फोर ऑप्शंस कौन सी हैं वो सुन लो, कि प्लांट में हम लोग बात कर रहे हैं कि थ्री टिश्यू। पहले प्लांट्स वाली चेक करो कौन सी गलत है, ठीक है? मैं कल ही प्लांट्स की बोल रही हूँ। टिश्यू ऑफ प्लांट्स आर मेड अप ऑफ लिग्निफाइड एंड डेड सेल, राइट और रॉन्ग? सेकेंड है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ऑफ द एनिमल्स। कॉम्प्लिकेटेड है प्लांट्स की? एनिमल्स की कॉम्प्लिकेटेड होती है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड दैट कंपेयर टू द एनिमल्स, ये फॉल्स है सेकेंड वाली। थर्ड है, ग्रोथ इन प्लांट इज डेफिनेट एंड ग्रोथ इन एनिमल्स वाला इनडेफिनेट है। तो ग्रोथ प्लांट में डेफिनेट है, एनिमल्स में इनडेफिनेट है, तो विच स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग? कौन से दोनों का डिफरेंस गलत है, सेकेंड वाला भी और थर्ड वाला भी? क्योंकि ग्रोथ जो है प्लांट्स के केस में दैट इज नॉट डेफिनेट, आफ्टर सम स्टेज इट विल बी but not from the starting, but in animals it is definite, ठीक है? And secondly, structural organization in case of the plant is more animals is more complicated as compared to the plants. next question, beta please ध्यान दो इधर। parenchyma cell containing air cavities are called, ऐसे ही बता दो, parenchyma, ठीक है? The parenchyma cells that containing the air cavities are parenchyma. कौन कौन से और करें हमने, ठीक है? parenchyma, parenchyma, parenchyma and scleral. That कौन से हैं? कहाँ present हैं? Next is, find the living cell that provide mechanical strength to the plants. ठीक है, तो फंक्शंस हो गए तीन ही हमारे एक हिसाब से, ठीक है? कॉलेनकाइमा, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो बच्चे जो घर ऑनलाइन है। फाइंड द लिविंग सेल दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स यानी कि कॉलेनकाइमा दे कैन बेंड इजीली, कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज टाइप ऑफ सेल्स मोस्ट लाइकली टू डिवाइड? एपिडर्मिस, पेरेंकाइमा, मेरिस्टेम, जाइलम। बोलो, मेरिस्टेम। मैंने पूछा विच कैन डिवाइड,
मैंने एस्टिमेटिक की क्वालिटी क्या लिखी थी, डिवाइड री डिवाइड अगेन एंड अगेन, और कॉम्प्लेक्स में मैंने फर्स्ट लाइन, जैसे हमने बात करी है कि डिवीजन री डिवाइड अगेन एंड अगेन, वहां पे डिवाइड नहीं होते. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लोरेनकाइमा. क्लोरेनकाइमा सुन लो, ऑप्शन सुन लो. इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू. क्लोरेनकाइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू. इट इज अ पेरेनकाइमेटिक टिश्यू ऑफ द ग्रीन लीव्स एंड द स्टेम. क्यों, रीजन साथ में बताओ क्यों बच्चे. क्लोरेनकाइमा, आई एम नॉट सेइंग पोलन, क्लोरेन, दैट इज फॉर द हेल्पिंग इन द क्लोरोप्लास्ट देयर, तो हेल्प करेंगे वो. इट इज अ दैट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ना. इट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ऑल ऑफ अबव, ठीक है, क्योंकि क्लोरेन है, कोलेन नहीं कहा, अलग है. हाँ, देन ट्रकीड्स वेसल्स वुड फाइबर्स एंड पेरेनकाइमेटस टिश्यूज आर फाउंड इन. ट्रकीड्स वेसल्स वुड फाइबर्स एंड पेरेनकाइमा जाइलम में प्रेजेंट है. इडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द स्ट्राइटेड मसल. स्ट्राइटेड मसल्स का आइडेंटिफाई करो फीचर. स्ट्राइटेड कौन से होंगे, और स्ट्राइटेड वर्ड आई एम यूजिंग, तो स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट, दैट मींस डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है. हार्ट में स्ट्राइटेड है. हार्ट मसल्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या है वो, कार्डियक. स्ट्राइएशंस होती हैं, लेकिन वो ब्रांच्ड है. अब इनमें से स्ट्राइटेड मसल की आइडेंटिफिकेशन देखो. सिलेंड्रिकल, स्ट्राइप, स्केलेटल एंड वॉलेंट्री. सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, स्ट्राइप्ड है, ठीक है, स्केलेटल है, वॉलेंट्री है. समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा. मैंने बोला स्ट्राइटेड मसल के फीचर्स कौन कौन से हैं. स्ट्राइटेड मसल कौन से हैं, स्ट्राइएशंस, डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, क्या उसके फीचर होंगे. वो सिलेंड्रिकल इन शेप है, स्ट्राइप्ड है, स्ट्राइप मीन स्ट्राइएशंस है, स्केलेटल है, क्योंकि स्ट्राइटेड मसल कहाँ प्रेजेंट है आपके स्केलेटल में, ठीक है, वॉलेंट्री है, तो ये सारे फीचर्स उसको शो कर रहे हैं स्ट्राइटेड मसल्स. कार्डियक मसल्स आर, फीचर सुनो, स्मूथ होते हैं कि नहीं, नहीं होते, यानी कि ये ऑप्शन तो बोलू ही ना मैं. सेकेंड है स्ट्राइटेड होते हैं एंड इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री है, हार्ट अकॉर्डिंग टू योर विश वर्क करता है. इन्होंने एक वर्ड यहां पे लिखा है, प्लीज ध्यान देना, जो डिफर कर रहा है दो टर्म्स को. दे हैड रिटन स्ट्राइटेड सिंक्टिकल, सॉरी सिंक्शियल एंड इनवॉलेंट्री, और दूसरी तरफ है क्रॉस कनेक्टेड. कार्डियक वाले कैसे बनाए थे, क्रॉस कनेक्टेड. मसल्स विच आर इम्यून टू फेटीक, मसल्स विच आर इम्यून टू फेटीक कार्डियक. क्या है फेटीक का मतलब, थकान. इम्यून टू फेटीक का मतलब क्या हुआ, जो थकते नहीं. इम्यून मतलब जैसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, कि हम उसको कैसे फाइट कर रहे हैं. एंड हियर वी आर सेइंग दे आर इम्यून टू फेटीक. फेटीक मींस थकान. तो कौन से मसल्स है, कार्डियक. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग विड्थ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट्स. I am asking the type, apical, lateral, intercalary and permanent. Girth और वो उसमें intercalary है. फिर आप क्या कर रहे हो, ध्यान कहाँ है. Lateral meristems, outgrowth of the plant increasing width and the girth. नीचे वाले में lateral है, apical में apex, leaves के नीचे वाली जगह पे, that are the intercalary, girth is present, वहां पे है lateral.
देन विच ऑफ द फीचर इज एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन? वैसे ही पता आपको, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम हेल्प्स टू इंक्रीज गर्थ ऑफ द प्लांट? अगेन अ क्वेश्चन रिपीट, दैट इज लेटरल. रीड द स्टेटमेंट, आई एम रिपीटिंग, इसको ध्यान से सुनना एंड देन इनकोरेक्ट स्टेटमेंट बतानी. इनकोरेक्ट. मैनी नर्व सेल बाउंड टूगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व. पहले ये देखो ये सही है कि गलत है. मैनी नर्व सेल्स बाउंड टूगेदर टू बाउंड टूगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व. ट्रू है. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू fills the space inside the organ and helps in the repairing of tissue. ये भी ठीक है. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, एक लाइन आ गई. अब आपको ये तीनों जो चीजें यहाँ पे मैंने बोली, they can ask you by giving the three different option. जैसे areolar tissue fills the spaces, पहली option. Areolar tissue are present in, मतलब helps in the repair of tissue. ये भी सही. मतलब इस तरह से भी आ सकता है कि वी कैन आस्क यू बाय गिविंग द थिंग्स, कि आपको उसमें से इनकोरेक्ट बतानी है. यहाँ तो तीनों चीजें एक में ही दे दी. आपको अकेला एरियोलर टिश्यू का आएगा तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दे विल एक्सप्लेन. यहाँ पे ये भी ठीक है. देन द थर्ड स्टेटमेंट, ग्लैंडुलर एपिथीलियम इज फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ एपिथीलियल टिश्यू. सही है कि गलत है? ग्लैंडुलर कौन सा करा था? कुछ नहीं याद, पता नहीं क्या करना है. इस तरह से ग्लैंडुलर बनाया था तो ये इनफोल्डिंग है किसकी? एपिथेलियल की. अब ये बना ही लिया तो इसकी भी बता दो क्या है स्ट्रक्चर. इसका नाम बोल लो. न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? नियर द बेस. इसको क्या कहते हैं? ये डॉट्स, म्यूकस. दिस इज कॉल्ड ग्लैंड. दिस इज वेयर द ग्लैंड इज प्रेजेंट. वेयर द ग्लैंड इज प्रेजेंट दैट सेल इज कॉल्ड गॉब्लेट सेल. अब उसने क्वेश्चन बोला था, हमारी पहली वाली दोनों करेक्ट थी. हां जी रियांशिका, अनम्यूट योर सेल बेटे. रियांशिका अनम्यूट योर सेल्फ. मैम गॉब्लेट सेल. गॉब्लेट सेल, यस बेटा, थैंक यू. मैम गॉब्लेट. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्मूथ मसल फाइबर्स शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्राइटेड एंड अनस्ट्राइटेड मसल. बट ऑब्वियस फॉल्स, क्योंकि स्मूथ मसल फाइबर्स बोल रहे हैं, स्ट्राइटेड भी कह रहे हैं अनस्ट्राइटेड भी, दैट इज अ फॉल्स. फिफ्थ इज skin epithelial cells are extremely thin and flat through which absorption and secretion occur. bolo skin epithelials are extremely thin and flat through which absorption and secretion occur. kaise sara kuch limited nahi na ka usne ye thoda na kaha ki some permeable hai ya kuch hai. they are not saying. ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं है जो फॉल्स स्टेटमेंट है. कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू. सॉरी लीफ स्टॉक्स में कौन सा प्रेजेंट है? अब भी इस लड़के ने बताया और अब भी गलत बता रहा है. लीफ स्टॉक्स में यू जस्ट टोल्ड. थैंक यू बताने के लिए. आइडेंटिफाई द टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस. कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कौन सा प्रेजेंट है? क्यों बेटा लीफ स्टॉक्स में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है बिलो द एपिडर्मिस? कोलेनकाइमा दैट हेल्प्स इन द बेंडिंग. अभी तो आपने बोला लीफ स्टॉक्स.
पत्ती के नीचे बेटे यहाँ पे ये अगर है यहाँ पे ये क्या है यहाँ पोलन काइमा यही पूछा वैक्सी वॉटर रेजिस्टेंट लेयर इज ऑब्जर्व इन द जीरोफिटिक प्लांट्स व्हाट इज द लेयर कॉल्ड एज वैक्सी डेजर्ट प्लांट में कैक्टस के ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं किस बनी होती है वो एपिडर्मिस Which component of sclerenchymal tissue hardens and thickening their secondary walls? Lignin. Very good. Lower surface of the fallopian tubes, bronchi and bronchioles are lined by an epithelial cell. Find the epithelial. कौन सा होता है यहाँ पे? मैंने क्या word बोला? सुनो. Inner surface of the fallopian tube, bronchi, bronchioles. आर लाइंड बाय एपिथेलियल सेल कौन सा होता है कौन सा ऑप्शन बोली नहीं ऑप्शन स्क्वेमस एपिथेलियम कोल्यूमनर सिलिएटेड क्यूबॉइडल स्क्वेमस तो इनर लाइनिंग है यहां पे कहां पे प्रेजेंट है ब्रोंकियाई ठीक है ब्रोंकियाई पे है फेलोपियन ट्यूब में क्या आना है एट में यू हैड ड्रॉ द डायग्राम फेलोपियन ट्यूब में क्या आएगा एग्स विल मूव जहां पे मूवमेंट है वहां पे क्या प्रेजेंट होगा सिलिएटेड सिलिया दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल टिश्यूज आर प्रेजेंट विच फिब्रस कनेक्टेड टिश्यू कनेक्ट्स बोन विद द अदर बोन लिगामेंट्स Triceps and biceps are the example of voluntary muscles. पता सब कुछ है बताना नहीं ठीक है तो ये देखो Loose connective tissue, I am writing here. Dense, ठीक है, dense connective tissue, blood, cartilage. Here it is P, Q, R, S, A, B, C, D. ठीक है, यहाँ है ears and joints. Here is सर्कुलेटरी सिस्टम राइट अंडर स्किन लिगामेंट्स एंड टेंडन्स पहले इनको ज्वाइन करो देन ऑप्शन बाद में देखते हैं कि विच वन इज लाइक कनेक्टिव टिश्यू आई एम सेइंग लूज कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट अंडर स्किन Then dense connective tissue, dense ligaments, blood, sir, cartilage, यानी कि A को किससे गया था R, B, C, B, S, C, P, D, Q. This is the correct option. ठीक है एक और कर लेते हैं डर्मल टिश्यू मेरिस्टेमेटिक ग्राउंड टिश्यू वैस्कुलर टिश्यू वैस्कुलर अगर इन केस ऑफ प्लांट्स वी आर टॉकिंग देन इट इज द जाइलम एंड फ्लोएम
एंड राइट कवर्स प्रोटेक्ट्स स्टोर न्यूट्रिएंट्स कंडक्ट्स वाटर and nutrients add new cell through growth. हाँ जी A B C D कौन सा होगा इसमें ऑप्शन डर्मल कहाँ पे होएगा किसको कर लूं स्टोर न्यूट्रिएंट्स देन मेरिस्टेमेटिक फॉर ग्रोथ एड्स न्यू सेल थ्रू ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही यही है ग्रोथ ठीक है देन डी इज बेटा वेस्कुलर यहां पे आया मेरिस्टेमेटिक दिस वेस्कुलर कैसे स्टोर न्यूट्रिएंट्स हुआ वेस्कुलर कंडक्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पे वर्ड वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम व्हाट दे विल डू देन ग्राउंड टिश्यू हाँ